नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 19 सितंबर को हम बात करते हैं भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद जी के बारे में। हरिद्वार जाने वाले हर तीर्थयात्री की प्राथमिकता हर की पौड़ी जाकर गंगा माँ के अमृत रूपी जल में स्नान करना होती है। इसके बाद वह वहाँ के प्राचीन और नूतन मंदिरों के दर्शन करता है। नए मंदिरों में भारत माता मंदिर का प्रमुख स्थान है। इसके संस्थापक हैं महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी। स्वामी जी का जन्म 19 सितंबर 1932 को आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री शिव शंकर पांडे एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे। अपने पुत्र का नाम उन्होंने अंबिका रखा। अंबिका का झुकाव शुरू से ही अध्यात्म की ओर था। 10 वर्ष की अवस्था में ही वह नैमिषारण्य आ गए और प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। नैमिषारण्य में स्वामी वेद व्यासानंद सरस्वती ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। एक बार वहां संघ का शीत शिविर लगा जिसमें सरसंघ चालक श्री गुरु जी भी आए थे। अंबिका के मन में गुरु जी के लिए बहुत श्रद्धा थी। वह पैदल चलकर शिविर में पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वे कुछ देर के लिए उनके आश्रम में चले। गुरु जी ने उन्हें अपनी रजाई में बैठाया और गर्म दूध पिलवाया। इससे उनका उत्साह दूना हो गया, पर गुरु जी का प्रवास दूसरे स्थान के लिए निश्चित था। अतः अंबिका ने दुराग्रह नहीं किया। श्री गुरु जी से हुई इस भेंट ने उनके मन में संघ की जो अमिट छाप छोड़ी वह आज भी उनके मन में बसी है। 1949 में उन्होंने संघ के वरिष्ठ प्रचारक व समाज सेवी नानाजी देशमुख का भाषण सुना। तब से वे संघ के लिए अति निकट आ गए। शिक्षा पूर्ण होने पर अक्षय तृतीया विक्रमी संवत में 1960 ईस्वी में उन्हें भानुपुरा पीठ मध्य प्रदेश के शंकराचार्य स्वामी सदानंद गिरी ने संन्यास की दीक्षा दी। अब उनका नाम सत्यमित्रानंद गिरी हो गया और वे पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हो गए। पर उनका मन आश्रम के वैभव और पूजा पाठ में कम ही लगता था। वे तो गरीबों के बीच जाकर उनकी सेवा करना चाहते थे, पर शंकराचार्य पद की मर्यादा इसमें बाधक थी। अतः उन्होंने इसके लिए योग्य उत्तराधिकारी ढूंढकर उन्हें सब काम सौंप दिया। उस समय श्री गुरु जी इंदौर में थे। स्वामी जी सीधे वहां गए और उन्हें यह सूचना दी। श्री गुरु जी ने कहा कि अब आप समाज सेवा अधिक अच्छी तरह कर पाएंगे। इसके बाद हरिद्वार आकर उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की। श्री गुरु जी के प्रति इस अपार श्रद्धा के कारण 2006 ईस्वी में श्री गुरु जी जन्मशती समारोह समिति का अध्यक्ष पद उन्होंने ही संभाला। भारत माता मंदिर में विभिन्न तलों पर भारत के महान पुरुषों, नारियों, क्रांतिकारियों, समाज सेवियों आदि की प्रतिमाएं लगी हैं। इनको देखते हुए दर्शक जब सबसे नीचे आता है तो वहां अखंड भारत के मानचित्र के आगे सुजलाम सुफलाम भारत माता की विराट मूर्ति के दर्शन कर वह अभिभूत हो उठता है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पूजा, भोग, स्नान आदि कर्मकांड नहीं होते। भारत माता मंदिर और समन्वित सेवा ट्रस्ट द्वारा अनेक सेवा कार्य चलाए जाते हैं। इसमें वेद विद्यालय, विकलांग एवं कुष्ठजन सेवा, चिकित्सा वाहन, वृद्धाश्रम, दृष्टिहीन सेवा, शहीद परिवार सेवा, सफाईकर्मी सेवा आदि प्रमुख हैं। हिंदू हित चिंतन के लिए समर्पित स्वामी जी का 25 जून 2019 को देहरादून में शरीर शांत हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।